हरिओम श्री राम अम्बदन्य। मैं प्रगति वीराखुरे इंदौर रामबाग उपासना केंद्र से 12 मार्च 2021 का अनुभव आपसे शेयर करना चाहती हूँ। अभी अभी का अनुभव, मैं ऑफिस जाने के लिए थोड़ा सा लेट हो रही थी और जाते वक्त सभी बापू भक्त उदी लगाते हैं और हरिद्रा उदी लगाते, तो मैंने भी उदी लगाई और हरिद्रा उदी लगाई और निकलते समय बापू जी को बोला कि बापू जी आप मेरे साथ चलना। और ये मतलब उसी टाइम पे नहीं, मैं रोज ही बोलते हैं जब भी जाते आते हैं कि बापू जी हमारे साथ चलना और हमारे साथ ही वापस आना। ये मतलब हम घर सभी का नियम है घर पे कि जाते वक्त कहीं पे भी जाते हैं तो बापू जी को बोलते हैं कि आप हमारे साथ चलो। तो वैसे ही उस दिन मैं लेके जा रही थी और उस दिन थोड़ा सा मैं लेट हो गई थी, तो मैं थोड़ा स्पीड में जा रही थी। तो जाते जाते मेन रोड मंदिर पे, साई बाबा का एक मंदिर आता है मेन रोड पे, तो वहां पे ना एक कार लेके एक अंकल जी आए मेरे पास में। तो मुझे ऐसा लगा कि लोखंडे अंकल है, संजय सिंह लोखंडे जो हमारे केंद्र प्रमुख है, मुझे ऐसा लगा कि वो आए। तो मैंने पहले थोड़ा सा देखा और मतलब क्योंकि उनका पर्सनालिटी, हेयर स्टाइल वगैरह एज इट इज थी, सेम सेम सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं था, पूरे सेम वैसे के वैसे दिख रहे थे, बस हल्का सा फेस में डिफरेंस होगा। तो वो कार लेके मतलब मेरे सामने है और मैंने उनको देखा, मतलब लोखंडे अंकल, तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ मैं लोखंडे अंकल हूँ, आप आइए। तो मैंने देखा कि मतलब सॉरी सर आप वो नहीं हो, आप जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप आइए, और उन्होंने कार का गेट ओपन कर दिया, बोले आप आके और इसमें बैठिए। तो मैंने मना कर दिया, मैंने बोला सॉरी सर मुझसे मतलब मिस्टेक हो गई, मैंने आप वो नहीं हो, आप जा सकते हो, आप जाइए। तो उसने थोड़ी सी गाड़ी आगे ली और आगे लेने के बाद रुकने की कोशिश करी और वो फिर सीधे निकल गया। और निकलने के बाद फिर मैं भी फिर थोड़ा सा स्पीड में अपने बस स्टैंड तक गई, मतलब ऑटो स्टैंड तक गई, और वहां से ऑफिस पहुंची। और ऑफिस पहुंचने के बाद मम्मी को फोन लगाया कि मम्मा मैं पहुंच गई हूँ। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि बापू जी को अपन ने बोला कि बापू जी आप मेरे साथ रहो, तो बापू जी अपने साथ हर वक्त हर पल हर क्षण अपने साथ रहते ही है। और इसके लिए मैं बापू जी का बहुत 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 अभिनंदन बोलती हूँ कि उस दिन मेरे साथ में क्या होने वाला था मेरे को भी नहीं पता, बस वो मेरे बापू जी मेरे साथ में थे, इसलिए आज मैं आप सभी लोगों के सामने सुरक्षित हूँ। अभिनंदन, हरिओम श्री राम।